क्या दिल क्या तू समाल रहियोगे तोरो को भी माफ नहीं होता जो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है बहन, मैं उस आरामजादा को खुद दंड दूंगी। तुम जाए अब यहां से। ठीक है भैया। करिया पारा नाम भैया जी चरना हो तो भैया जी अपना दूली यहाँ
सा मेरी माँ का समाचार तू कहकर की सुना दे। सॉरी उदय सिंह, अरे मेरी माँ तो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, लेकिन तू माँ को वचन काट करके आज पहचानते हैं जी? नहीं नहीं पहचानते हैं? नहीं, नहीं, अगर आप परिचय देंगे तभी दो नाम आपको नहीं पहचानते। मेरा लड़का सर सखीरा, मेरा ही निर्मल खान चापी का, निर्मल खान से बड़े भाई आला सिंह इसका घर पड़ता है राज मोहब्बा, इसका नाम है आला सिंह। अच्छा पना पना भाई साहब आशीर्वाद है दुला जी। बोलिए भाई साहब राज मोहब्बा का कुशल? अरे राज मोहब्बा का तो कुशल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना समाचार तो बताइए भाई साहब। आपकी कृपा से बिल्कुल किसी तरह की दिक्कत है, लेकिन आज बहुत दिन के बाद आए, इससे पहले क्यों ना आते थे? इससे पहले नहीं आते थे, कारण था हमने सोचे थे कि मेरा जीजाजी बहुत बड़ा ईमानदार है। हाँ बिल्कुल सही बात, इसलिए हम लोग नहीं आते थे। आज याद हो गया कि जाकर के दुलार जी से मिलते हैं, बात करते हैं। अच्छा ऐसा कीजिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं चाय पानी का व्यवस्था करता हूँ। ना ना दूल्हा जी चाय पानी का छोड़िए, हम लोग चौक चौराहे से पी करके आगे हैं। एक बात दूल्हा जी पूछने के लिए हम चाहते हैं। हाँ बोलिए दूल्हा जी, एक हफ्ता से बाबू रुद्र सिंह खो गया है, ये बांधो किला आया है कि नहीं आया है? अच्छा अच्छा रुद्र सिंह के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ मलखान सिंह, अगर रुद्र सिंह आते तो कोई बिल्ली का बच्चा तो है ना, कहीं छुपा कर रख लेंगे। अच्छा? मनुष्य है ना, कोई रुद्र सिंह यहाँ पर नहीं आया है। क्या नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया भैया। दुला जी सच कह रहा कि यहाँ बाबू रुद्र सिंह नहीं आया। सही बात है। एक बात दुला जी, जब बंदूक किला में अगर बाबू रुद्र सिंह होगा तब क्या कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, है ही नहीं तो होगा क्या? अगर होगा तब नहीं है तो नहीं है तो ठीक है। क्या बात है, फिर किस लिए मुझे दोबारा बुलाए? हाँ बोलो दूल्हा जी, दुश्मन तो बोला कि बाबू रुद्र सिंह तो नहीं आया। अरे जो चोर साला चोरी करता है वह कभी अपना चोरी को कबूल नहीं करता है कि मैंने चोरी किया। सच बात है, लेकिन मेरे जैसे सीना तान करके मैदान में कोई बेटा है कबन किला में नहीं पैदा लिया है कि कोई मैदान में रहेगा। ठीक है भैया, आप बुलाओ उसको। मैं बुलाता हूँ सामने में। ठीक है बाबू, कहाँ गए दूल्हा जी? नमस्कार दूल्हा जी, बोलिए क्या कहने के लिए चाहते हैं? क्या बोले कि बाबू रुद्र सिंह नहीं है? मैंने आपसे झूठ तो जरूर बोला, लेकिन मलखान सिंह बड़े भाई साहब दोनों आदमी मेरे दरबारे हैं, मैं आपसे तो झूठ जरूर बोला, लेकिन मैं नहीं झूठ बोला, आपका परिवार मुझसे झूठ बुलवाया गया था। आपका वंशज का जो है आपका मामा माई, उन्होंने आकर के मेरे साथ छलबाजी किया। मैं अपने आप से नहीं किया, अगर मैं अपने आप से करता तो मुझे आप जो सजा देते, और मैं कसूरवार हूँ, मुझसे गलती हुई है, आप जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए। क्या दूल्हा जी, अगर मेरा मामा कहता कि बस्ती में आग लगा दो, किसी का मर्डर कर दो, ऐसा कुछ नहीं। वो बात नहीं है भैया, ये अगर मामू जी अगर कह देंगे कि मलखान सिंह का ये बेटा है बंजा का बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो पूर्वजों से आ रहा है, जो परंपरा आ रहा है, सत्य की बात चल रही है, वही अभी हम लोग चला रहे हैं। तो आपका घर का बर्बादी का जड़ है आपका मामा महिल, अगर मुझसे गलती हुई तो मैं गलती का कसूरवार हूँ, मुझे आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। ठीक है मलखान सिंह, हर जब दूल्हा जी झुक गया इसे करना है क्या? झुक न गया है भैया, सुना एक सजा इसको ऐसा दे दो कि जिंदगी तक के याद रहे, नहीं और किसी के साथ ऐसा नहीं करे। अरे मलखान सिंह, अगर अभी कुछ दूल्हा जी के कहते हो तो वाहन जाकर के अपने चौकर पर रोएगी, लेकिन
सिर्फ दूल्हा जी से यही कहना है कि मेरी बहन का तुम्हें दौरा दे दो, हम यहाँ से लेकर के राजमहुआ जाऊंगा, लेकिन आइंदा फिर दूसरा दिन यह काम नहीं करे। बहन जागी ये दुश्मन नहीं जाएगा, अगर दूल्हा जी को जाने का इच्छा होगा नहीं जाएंगे जाने के लिए दुश्मन को। अरे बुढ़वाक, अगर दूल्हा जी बोलेंगे, मेरा भागिन बोलेगा कि हम, मेरा नाती बोलेगा कि हम जाएंगे तो लेकर के जाएंगे, इसमें है क्या? ठीक है क्या करने के लिए चाहते हैं साहब? दूल्हा जी आप बोलिए। मेरी बहन को दूल्हा चाहिए। बिल्कुल आप ले जा सकते, मुझे कोई इतराज नहीं। और आपको भी चाहता हूँ। नहीं नहीं आप पीछे आएंगे, बाद में आएंगे, आपका बहन के दूल्हा चाहिए ना, उसे ले जाइए। मेरे जीते ही जिंदगी ये सूरज सिंह राजमहोबा नहीं जा सकता है। मेरे भाई इसे जीवन माफ कर दिया, भाई ने बोल दिया माफ तो माफ हो गया। मेरे जीते ही जिंदगी मेरे राजमहोबा जाएगा, हो सकता है मेरे आंखों के सामने ये दुश्मन पड़ गया तो चाहे ये मुझे मार दे या इनको हम नहीं जिंदा छोड़ूंगा, इसलिए मुझे बहन चंद्रा का दूल्हा चाहिए, तो बहन को लेकर के जाए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने कर देता हूँ, तुम अपना बहन को दूल्हा ले जा सकते। लेकिन फिर ऐसा दोबारा मेरे साथ गलती कदम मत उठाना, मुझसे गलती तो हो ही नहीं सकता था। तो ऐसा कौन किया? आपका मामू किया है। मामू घर में आकर के बर्बादी का जड़ सिर्फ आपका मामू। ठीक है, मेरा मामू है, अगर मेरा मामू रहता तो 151 बेटा को मैंने पंजा तोड़ करके मां गंगा में नहीं फेंकता। कैसा मेरा मामू जी हुआ? मेरा मामू हुआ कि तुम्हारा मामू हुआ? रोदर सिंह, जिस समय अगर हमारी तुम्हारी अगर दुश्मनी होता तो मैं तुम्हारा इज्जत नहीं करता। हम आज तक भाई दोस्ती किसी छतरी के साथ नहीं लगाया हूँ, बल्कि दुश्मनी करता हूँ, दोस्ती नहीं करता हूँ। इसलिए जो तुम्हारे मामू जी आकर के मेरे साथ घोर अन्याय किया है, अगर कोई बात नहीं है, अन्याय उसने क्या, गलती मुझसे हुई है। अगर तुम्हारी बहन चाहिए तो मैं बहन को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता। ठीक है, देखो रानी, जो होने का है, जो बीतने के वो बीत गई। मैंने सारा समस्या बता दिया बड़े भाई साहब, और रही बात उन्होंने दौलत चाहते हैं, तुम शौक से तुम अपने भाई के साथ तुम अपने मायके जा सकते। चल बहन, अब क्या हुआ? दुष्ट को देख रही पलट पलट कर करके वह थे खून में पानी मिला दिया, इसलिए मैंने उसको अपने नजर से दूर कर दिया। चल मेरे साथ, मैंने माँ के साथ वचन दे करके आया हूँ, मैं तुम्हें माँ से मिलवा देता हूँ। ठीक है भैया, चलो मान लो भी चिंता होगी। चला 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 बाहर बाबा की लागे बाहर, मैया से मिलाई के बाहर जब मोहरबा में, ये सरैया मैया है तई मैया हो हमार, कौन बटिया देखी ये तई रानी चादरा, हाय ये सरैया भई है तई भाभी के हमार, ये सरैया भई के है भैया। तुम 2 मिनट के लिए बैठो, मैं माँ बुला करके तुम्हारी सामना कर। ठीक है भैया, ठीक है। माता है गे सुना ले दे बना गे सुकुमार, ये लो गे दुलारुआ बेटा गे तेरे साथ
माँ? खुश रहो बेटा, आज देख रहा हूँ तुम्हारी चेहरा पर परछाई पड़ गई है माँ। क्यों नहीं परछाई पड़े हैं गिरे? ऐसा बात क्या है कि तुम्हारी चेहरा पर परछाई पड़ गई? ऐसा बात बोल रहा है तू? तेरे जबान से ये बात अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए अच्छी नहीं लग रही है, तुमने मुझसे वादा किया था कि माँ मैं बहन के दरबार जा रहा हूँ, एक हफ्ता के अंदर मैं लौट करके चले आऊँगा। लेकिन आज एक हफ्ता कौन कौन पूछता है, 6 वर्षों के बाद भी बीत गया, तूने माँ के सामने आया, मेरे आँखों का तारा है तू, मेरा लाडला दुलारा है तू। तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल पर क्या बीता है तुम्हें पता है? कुछ नहीं पता है। तुम्हारे लिए मैंने दर दर की ठोकर खाते खाते कहाँ से कहाँ मैंने गई, फिर इस बेटा को मैंने देख रही माँ। तुम तो सोचती होगी जो भी गलती किया होगा वह मेरा बेटा रुदल सिंह किया होगा। मैंने तुमको लाख बार मना कर दी थी कि बहन की दरबार ना जा, छोड़ दे, लेकिन तुमने क्या बात को नहीं माना। लेकिन माँ बहन के दरबार गया तो मैंने किया क्या? कुछ नहीं किया। अब क्या क्या नहीं किया ये तू जानेगा, मैं तो नहीं जानू। लेकिन अब समझ गया माँ कि बेटा का दुश्मन माँ भी होती है। कदापि नहीं। अगर कदापि दुश्मन तुम नहीं बनती माँ तो आज सूरज सिंह का बाप का हिम्मत नहीं था, वह हरमजादा मेरे गले में बार बार फांस लगाते। आज उसका बाप का हिम्मत नहीं रहता माँ कि वह बहादुर मेरे साथ मैदान में युद्ध करता। मैंने तुम्हारी वचन को रख लिया माँ, तूने मेरे साथ कसम खिला लिया, उसका मैंने लज्जा रख लिया। बेटा मैंने जो तुम्हें कसम खिलाई थी यह भी मौवी किला का प्रतिष्ठा था। नहीं माँ, आज से सोच ले माँ कि जब से मैं अपने घर से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ तुम्हारी आशीर्वाद बेटा को चाहिए। आज से मैं भी तुम्हें आजाद कर चुकी हूँ, जिस तरह तुम शेर बन के दुनिया में विराजमान करता था उसी तरह बिल्कुल शेर बन के दुनिया में विराजमान करोगे। चल माँ ठीक है, मैं जिंदा वापस आ गया, यही सोच ले माँ कि तुम्हारी परमात्मा घर में तुम तो आया है। मेरी बेटी कहाँ है? वह कैसे आएगी जो मेरे लिए दुश्मन बन गया माँ, जो मेरे लिए मौत का कफन बन गया, मेरे गले में मौत का कफन डाल दिया, क्या उस दुश्मन को मैं अपने साथ तुम्हारे सामना लेंगे? मेरी बेटी नहीं तुम्हें दुश्मन बनी होगी। आखिर बहन नहीं रहती तो रुदल सिंह अपने बहन के दरबार नहीं जाता। आज वो बेटी भी नहीं रहती तो तुम मोहबी किला नहीं आ पाता। चल ठीक है, तुम्हें चंद्रपति से मुलाकात करने के लिए चाहती है? मेरी आत्मा तरस रही है। चल बहन। Peace.
बतिया के लिए गे मैया पहले तो अपना बांधो किला का समाचार कह करके सुनाओ किस तरह से रहती थी। माँ, हाँ मेरी पुत्री,